FRP बाईपास, बहुत सारे यूजर एंड्रॉयड 11 को लेके FRP बाईपास करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इजीली आप लोग विदाउट PC और PC मेथड से भी एंड्रॉयड 11 का FRP बाईपास कर पाओगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में कंप्लीट, मैं आपको पूरा प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा किस तरह से एंड्रॉयड 11 का FRP बाईपास किया जाता है सैमसंग M21। क्योंकि बहुत सारे जो है अभी मेरे चैनल पे यही रिसर्च में ही टैब में दिखा रहा है, काफ़ी सारे यूज़र इसी को सर्च कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी सैमसंग M21 जो है M21 FRP बाईपास कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कैसे करना है, इस वीडियो को बने रहे, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग को मोबाइल से रिलेटेड, अनलॉकिंग से रिलेटेड वीडियो अपने इसी चैनल टेक्निकल दीपक पे लेके आते रहता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, किस तरह से अनलॉक करना है, तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का जो है रीसेट की हो, ईमेल आईडी पासवर्ड भूल गए हो, तभी FRP या गूगल अकाउंट लॉक आता है। तो आप लोग को सबसे पहले आप अपने दूसरे फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस ऐप डाउनलोड कर लो, अपना फ़ोन का जो है ईमेल आईडी पासवर्ड यदि आपको पता है रिकवरी कर लो। उसके बाद आप अपने दूसरे फ़ोन में उस अकाउंट को लॉगिन करके आप अपने दूसरे फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन आप विदाउट PC मेथड करना चाहते हो तो आपको ये तरीका नहीं काम किया, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को जो है ट्रिक यूज़ करना है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में ट्रिक मैं दिखा दे रहा हूँ, इस ट्रिक को फॉलो करना है आपको किस तरह से कर रहे हैं सैमसंग M20 FRP बाईपास करने के लिए। तो इस तरह से आप अपना FRP बाईपास रिमूव कर सकते हो, तो ईजिली हो जाता है। यूज़ करोगे तो आप 100% अपने फ़ोन का FRP रिमूव कर पाओगे, और नहीं तो आप फाइंड माई डिवाइस ऐप का यूज़ करके भी कर सकते हो। फाइंड माई डिवाइस ऐप से नहीं हो रहा है तो आपको PC मेथड यूज़ करना है, एंड्रॉयड 11 थोड़ा हार्ड रहता है, और उसमें आप लोग को जो है PC मेथड का यूज़ करोगे तो एक बार में आप अपने फ़ोन का जो है गूगल अकाउंट रिमूव कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को जो है PC से कनेक्ट करना है, आपके PC में ड्राइवर होना चाहिए और टूल होना चाहिए, और सैमसंग M21 है, और इसके FRP बाईपास गूगल अकाउंट हाउ टू रिमूव सैमसंग M21 गूगल अकाउंट रिमूव विदाउट PC और PC मेथड। तो मैं यहाँ पे आपको PC से कनेक्ट कर लेना एंड्रॉयड वर्जन सैमसंग M21 FRP रिमूव M21। तो यहाँ पे PC से कनेक्ट करने वाला अनलॉकिंग टूल और इजी फॉर्म टूल भी यूज़ कर सकते हो, सेमी फॉर्म टूल भी आता है, उसके माध्यम से आप लोग PC से कर पाओगे, या लैपटॉप आपके पास है तो इस टूल को डाउनलोड कर सकते हो गूगल से जाके, और उसके बाद आपके PC में जो है MediaTek ड्राइवर होना चाहिए, क्वालकॉम का CPU है तो क्वालकॉम वाला ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, तो आपका फ़ोन जो है PC से कनेक्ट होगा और उसके बाद आपकी FRP रिमूव कर दी जाएगी। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी, आप अपने फ़ोन का जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखोगे तो हो जाएगा, ईजिली तरीके से बाईपास हो जाता है। तो आप जो है विदाउट PC मेथड में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत सारे जो है ऐप्स भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो PC से कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप अपने नियर एरिया में सर्विस सेंटर में भी जा करा सकते हो, और नहीं तो किसी जो है अच्छे टेक्नीशियन के पास जहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पे भी जाके करा सकते हो। तो आई होप कि आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे सैमसंग M21 FRP रिमूव किस तरह से किया जाता है, सैमसंग M21 का गूगल अकाउंट रिमूव किस तरह से होता है। तो चलिए आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।